बनेगा। अरे यही तो टुकड़ा है, सांप लौट रहा है छाती पर सांप। लॉकडाउन के चलते इन दिनों रामानंद सागर के शो रामायण को काफी पसंद किया जा रहा है। दूरदर्शन के रामायण की टीआरपी के बीच इस समय उन सभी कलाकारों की चर्चा हो रही है जिनकी वजह से ये शो टीवी के इतिहास में अमर हो गया है। इससे सभी वाकिफ हैं कि अगर मंथरा ना होती तो शायद रामायण ना होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस ललिता पवार की। आज हम आपको ललिता पवार के बारे में कई दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। रामायण की मंथरा बनने से पहले ललिता पवार 40 के दशक की बेहद बोल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। हालांकि शूटिंग के दौरान एक हादसे ने उन्हें बोल्ड एक्ट्रेस से नेगेटिव किरदार में ला दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने 1928 में रिलीज फिल्म राजा हरिश्चंद्र से अपना काम शुरू किया। इसके साथ वह गाना भी गाती थी। अपनी जवानी के दिनों में वह ग्लैमरस एक्ट्रेस हुआ करती थी। ललिता को आज भी घर घर में रामायण की मंत्रा के तौर पर जाना जाता है। वे अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। 1942 में ललिता फिल्म जंग या आजादी का एक सीन कर रही थी। फिल्म में अभिनेता भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था। इन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गई। डॉक्टर द्वारा दी गई किसी गलत दवा की वजह से ललिता पवार के शरीर के दाहिने भाग को लकवा मार गया। उनकी दाहिनी आंख पूरी तरह से सिकुड़ गई। अपनी एक मुंदी आंख के साथ ललिता पवार ने फिर से वापसी की। हालांकि इसके बाद उन्हें ज्यादातर नकारात्मक रोल ही मिले। अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में अभिनय का जौहर दिखाने वाली ललिता पवार ने 24 फरवरी 1998 को दुनिया को अलविदा कह दिया। छोटा हो या रोल बड़ा, और मुझे भी छोटे रोल से ही बड़ा रोल से कुछ नहीं। पिक्चर के रोल में लेंथ नहीं, स्ट्रेंथ हो, वो रोल करना चाहिए, चाहे दो शॉट का रोल हो।